नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा के नाम पर सत्ता हथियाने वाले सत्ता पाते ही सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं और फिर शुरू होता है जनता का शोषण। आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी का, जहां बेरोजगारों का आउटसोर्स कर्मचारी के नाम पर जमकर शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं का शोषण किस तरह से किया जा रहा है, इसका नायाब नमूना देखने को मिला रीवा में, जहां पर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में 3 डिटेक्टिव के नाम से रजिस्टर भाजपा नेता की कंपनी के द्वारा ठेके पर श्रमिकों की सप्लाई की गई। पर सत्ता के हनक में कंपनी के मालिक ने ना तो विभाग के साथ हुए अनुबंधों का पालन किया और ना ही उनके हितों का ध्यान रखा, बल्कि उल्टा श्रमिकों की भविष्य निधि को ही डकार गए। बिजली संयंत्र जैसे संवेदनशील मशीनरी को दुरुस्त करते समय जहां इन नौजवानों के साथ आए दिन बड़े हादसे होते हैं, वहीं इनकी सुरक्षा के साथ ही वेतन तक समय से नहीं मिलता। दुर्भाग्य तो ये है कि कंपनी ने विभाग के साथ जो अनुबंध किया था वो तक नहीं देती, साथ ही श्रमिकों की जान भी खतरे में डाल रही है। आउटसोर्सिंग वर्कर की आवाज उठाने अगस्त क्रांति मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अमैया स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आपको यह भी बताते चले कि विगत कई माह से कई कर्मचारी दिव्यांग हो चुके हैं, जिनकी आर्थिक मदद भी अगस्त क्रांति के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, देश के चर्चित फिल्म एक्टर सोनू सूद ने भी इन विकलांग युवकों की मदद के लिए अगस्त क्रांति के माध्यम से सामने आ गए हैं। लेकिन यहां के स्थानीय ठेकेदार, नेताओं और कर्मचारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती, जो आए दिन मृतकों के घर सांत्वना देने पहुंचकर फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। लेकिन जब हकीकत में जनता की मदद की आवश्यकता होती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन कर रहे अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने क्या कहा और आपको सुनाते हैं बिजली विभाग के जवाबदार अधिकारियों का क्या जवाब था। हमने ईपीएफ कमिश्नर को लिखी, ईपीएफ कमिश्नर ही जिम्मेदार है ना ईपीएफ के लिए, पीएफ के लिए पीएफ कमिश्नर ही जिम्मेदार है ना। नहीं, आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, अरे मैं पूछ रहा हूँ पीएफ कमिश्नर ही जिम्मेदार है ना। नहीं तो इसमें एफआईआर कौन करवाएगा? एफआईआर नहीं, हमने उनको लिख दिया है, वो कार्रवाई कर रहे हैं कंपनी पे। हमने ईपीएफ कमिश्नर जो है भाई, कंपनियां ईपीएफ कमिश्नर भी रजिस्टर लेबर लॉस को भी फॉलो नहीं कर रही कंपनी ना, तो भाई इसीलिए तो मैंने ईपीएफ कमिश्नर को लिया। आप ब्लैक लिस्टेड करेंगे सर? कर दिया ना भाई, आप बिना कोई जानकारी के चले आते हैं, सब हो गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, डीवायर कर दिया, बीजी इन कैश कर ली। हाँ, आप किस जमाने में? इन, इन, इन नौजवानों के साथ क्या होगा, इन मजदूरों के साथ क्या होगा? उनका ईपीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप चैनल की तरह बात करिए, श्रमिक नेता की तरह बात करते। नहीं, मैं तो इनके साथ क्या हूँ? मैं तो जनता की आवाज, तो भाई मेरे से आप वास्तविक जानकारी लीजिए ना। आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आप पूछिए कि साहब इनकी क्या स्थिति है, ये पूछिए आप। आप तो उनकी तरफ से जैसे मेरा झगड़ा करने आए। नहीं नहीं सर, झगड़ा हम तो आप करें, इनके साथ क्या होगा सर, क्रिमिनल क्या होगा? मैंने सारी कार्रवाई कर दी है और मैं उन्हीं के साथ क्यों खड़ा हुआ आदमी हूँ? ठीक बात समझे, आप बैठ जाइए। संगठन किस बात को लेकर स्ट्राइक कर रहा है? एक आउटसोर्सिंग, किस कंपनी की आउटसोर्सिंग? ये यहाँ पे बिजली विभाग में ट्रिक डिटेक्टिव ने आउटसोर्स का काम लिया था और इनकी लोगों की 5-5 महीने की पेमेंट नहीं दिया था, पीएफ और एसआईसी नहीं जमा किया था, उस वो सभी जायज मांगों को लेके। और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ना उनका विभाग कोई जिम्मेवारी लेता, ना वो ठेकेदार लेता, इस सारी जायज मांगों को लेके हम लोगों ने आमरण अनशन किया था। और उस समय एसी साहब ने और कलेक्टर साहब ने मौखिक आश्वासन और इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था और इन्होंने फर्जी पीएफ का चालान दिखाया और लिखित आश्वासन जब दिया, हम लोगों ने आमरण अनशन 4 दिन बाद तोड़ दिया। लेकिन उस लिखित आश्वासन के बाद आज तक इनकी पीएफ की राशि, और केवल रीवा की नहीं, जब हम लोगों ने देखा तो ट्रिक डिटेक्टिव जितने 16-17 जिलों में काम करती थी, लगभग 10 करोड़ रुपए पीएफ की राशि डकर के यहाँ से भाग गई है। ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी का ऑनर कौन है? ये स्वर्ण सलारिया और बच्चा सलारिया हैं। इनकी 420 की बहुत बड़ी कहानी है। एक केवल ट्रिक डिटेक्टिव एक सिक्योरिटी एजेंसी थी, बॉम्बे में चलाती थी, उसके बाद बीजेपी से गुरदासपुर से चुनाव लड़ा स्वर्ण सलारिया, हार गया,
और आज इसका एम्पायर जो है 8 से 10 हजार करोड़ का एक नंबर जो कहना चाहते हो बीजेपी का नेता है। बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता है। हाँ मतलब तुम लोग सत्ता के लोग ही इसमें। हाँ अब ये बताइए कि जिस सत्ता के लोग नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। नौजवानों का शोषण नहीं कर रहे हैं, इनके जिंदगी से, इनकी जिंदगी के साथ साथ इनके जो इनके पीछे लोग हैं, इनके बच्चे, इनके बूढ़े माँ बाप और इनके जो आश्रित हैं, सबकी जिंदगी से साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 8 हजार 9 हजार पाने वाले जिनके 5-5 महीने का पेमेंट नहीं मिलता, इनकी जो भविष्य निधि की राशि है वो 12% काट ली गई, सरकार से 13% ले ली गई, लेकिन वो राशि आज तक इनके खाते में जमा नहीं हुई। जबकि आप इनसे एग्रीमेंट मंगवाइए, अभी जाइए एसी साहब से ट्रिक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मंगाएंगे, उसके आधार पे ट्रिक डिटेक्टिव के जो कर्ता धर्ता थे उनको आज जेल में होना चाहिए था। पीएफ की राशि ना जमा करना एक गैर जमानती अपराध है और उस पर इनको आके एफआईआर कराना था, लेकिन ये दलाली का जो खेल है, ये हिस्सेदारी का खेल है, कुछ प्रशासनिक कुछ सफेद पोशों का जो है गठजोड़ है, जिसके लिए अगस्त क्रांति निरंतर एक तरह की हम आज़ादी तो पा चुके हैं लेकिन दो संविधान है, जबकि हिंदुस्तान में एक संविधान है, उसके लिए अगस्त क्रांति निरंतर लड़ रही है और पा चुके हैं, लेकिन दो संविधान है जबकि हिंदुस्तान में एक संविधान है, उसके लिए अगस्त क्रांति निरंतर लड़ रही है। और आउटसोर्स जो लड़के हैं, चाहे बिजली विभाग के हों चाहे किसी भी विभाग के हों, उनके लिए अगस्त क्रांति मंच का गठन हुआ है, बिंद अगस्त क्रांति मंच, उसके लोग हर विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।